दोस्तों, कल जब मोदी सरकार ने कश्मीर को धारा 370 और 35 ए की बेड़ियों से मुक्त किया तो पूरे देश ने कल जश्न मनाया। आपने टीवी पर देखा होगा, देश में कई जगहों पर लोगों ने खुद होकर सामने से मिठाइयाँ बांटी, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर लोग सड़कों पर उतरे और दिल खोलकर धूमधाम से कल पूरे देश ने जश्न मनाया। पर केवल दो जगहों से हमें इसका विरोध देखने को मिला। एक तो कांग्रेस, जिसने संसद में ही इसका विरोध किया। आपने वीडियो भी देखा होगा किस प्रकार से हल्ला मचाया गया था। चलो, वो विरोधी पक्ष है और वो तो पहले से ही कांग्रेस के बारे में तो बात करना ही मतलब समय बर्बाद करना है, उस पर तो कोई बात करने का मतलब है नहीं। कि दूसरा जो विरोध हमें सबसे ज़्यादा जहाँ से देखने को मिला वो है वामपंथियों की तरफ से, कम्युनिस्टों की तरफ से। मैं हर बार हमारे रिव्यूज़ में इन कम्युनिस्टों के दोगले मापदंड, हिपोक्रेसी और किस प्रकार से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया को इन लोगों ने बर्बाद किया है, इन कम्युनिस्टों ने, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया ने इस विचारधारा को धक्के मारकर अपने देश से निकाल दिया है। पूरी दुनिया ने, कोई पूछता नहीं इनको। आप देख लीजिए, गिने चुने 4-5-6 देश बचे हैं, उनमें से भी दो ही केवल बड़े देश हैं। नॉर्थ कोरिया को तो छोड़ दीजिए, गॉन केस है। चीन को भी हम पूर्ण रूप से कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो इस घिनौनी विचारधारा जिसने इस पूरी दुनिया के एक पूरी जनरेशन को बर्बाद किया, इस विचारधारा ने लोगों के मन से देशभक्ति को हटाया, राष्ट्रवाद की भावना को दूर किया, जो एक श्रद्धा आस्था होती है ईश्वर के प्रति, उस आस्था को इस घिनौनी विचारधारा ने युवा पीढ़ी के मन से दूर किया। झूठे सपने दिखाए समानता के, लेकिन दुनिया को बर्बादी के सिवाय इस विचारधारा ने कुछ भी नहीं दिया। करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या के सिवा इस विचारधारा ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने इसे नकार दिया है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस घिनौनी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और देश के ही खिलाफ हमेशा ये खड़े हुए हमें नजर आते हैं। चाहे कोई भी देश हित का मुद्दा आप उठाकर देख लीजिए, हमेशा देश के विरोध में ही ये आपको खड़े नजर आएंगे। अभी कल इतना बड़ा स्टेप, एक दूसरी आज़ादी का जश्न हम इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने का ये सपना सही मायने में कल साकार हुआ। इतना खुशी का कल दिन। लेकिन वामपंथी कहिए, कम्युनिस्ट कहिए, साम्यवादी जो भी कहिए आप, इन्होंने कल JNU में, दिल्ली में सड़कों पर इसका जोर शोर से विरोध किया। भारत और कश्मीर के बीच का वो पुल है जिसको आज मोदी और शाह जो है उसको जला डाल रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि आज इस प्रावधान से कश्मीर की जमीन पे हम काबिज होना चाहते हैं, तो शायद हम और मजबूती से पूरा, अगर आर्मी वहाँ चला जाएगा तो ज़रूर ज़मीन के पे हमारा कब्ज़ा रहेगा। लेकिन क्या कश्मीर के लोगों के दिलों में हम राज करना चाहते हैं? आज तो जो प्रो इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी लीडर्स को आपने बंद कर दिया है, तो आप किसके साथ आप रिश्ता बनाए? किसी आज कैसे हमारे देश का, क्या हमारे देश के साथ आज जुड़ा है, या जुड़ने की जो थोड़ी संभावना थी वो भी आज हमने तोड़ दी है। और आज की एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी, उन्हें कम्युनिस्टों के ना ही इस इतिहास के बारे में पता है कि कैसे इन्होंने दुनिया को बर्बाद किया, कैसे ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे हजारों हजारों हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के भाइयों की इन्होंने हत्या की है। बड़ी झापी का आप उदाहरण लेकर देख लीजिए। तो ये घिनौना इतिहास कम्युनिस्टों का किसी को पता नहीं है, ये कैसे देश तोड़ने का काम कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। इसलिए एक युवा पीढ़ी, बहुत बड़ा वर्ग, इनके मीठी मीठी बातों के झांसों में आ जाता है। ये बड़े इक्वलिटी की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़े हिपोक्रिट्स, दोगले, भेदभाव करने वाली मानसिकता इन्हीं लोगों की होती है। आप हमेशा इनकी बातें उठाकर देख लीजिए। अभी JNU में आपको पता ही था कैसे देश की बर्बादी के नारे लगाए गए, अफजल गुरु की बरसी मनाना और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। दंतेवाड़ा में जब हमारे 76 जवान शहीद हुए थे 2010 में, उस समय किस प्रकार से वहाँ पर जश्न मनाया गया था, या अर्बन नक्सल्स, खुलेआम नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहना, उनसे जाकर मिलना, उनसे मीटिंग्स करना, उनको सपोर्ट करना, इन नक्सलवादियों को भारतीय सेना पर रेप के आरोप लगाना। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपसपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। बस यही बातें कम्युनिस्टों ने देश को दी है। कल जब इतना खुशी का दिन था,
पूरा देश जश्न मना रहा था तब ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। इनका ये कहना है कि भाई कश्मीरियों से पूछा नहीं गया ये निर्णय लेने से पहले। मुझे नहीं पता वो किसे कश्मीरी कह रहे हैं। अमित शाह ने ये कहा है कि जो 370 जो धारा है वो अस्थाई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने संसद में ये, अगर ये अस्थाई है तो फिर हमारा इलाहाक भी अस्थाई है। क्या वामपंथी ऐसे अलगाववादी विचारधारा वाले नेताओं को या फिर अलगाववादियों को ही केवल कश्मीरी मानते हैं? क्या धारा 370 हटाते समय इनसे पूछना चाहिए था, ऐसा इन वामपंथियों का कहना है? मुझे तो नहीं लगता कि इन अलगाववादी विचारधारा वाले नेताओं से पूछने की कोई आवश्यकता थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के जो लोग हैं वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश है। अगर आप जम्मू के लोगों को पूछेंगे तो वो सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे कल। तो जम्मू के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लद्दाख के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लाखों लाखों कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, और जो लाखों कश्मीरी हिंदू वहाँ से पलायन जिनका हुआ था, वे दिल्ली में या शरणार्थी कैंप में जहाँ पर भी है, उन सब ने कल जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। तो मुझे पता नहीं, मतलब ये किसी से पूछा नहीं या इस धारा की वजह से जो कश्मीर के कोई भी वर्ग हो, किसी पर्टिकुलर वर्ग की, मत पंथ संप्रदाय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जो युवा थे उनको प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, डेवलपमेंट में रुकावट बना हुआ था। ये आर्टिकल जो विकास है उसमें जो बाधा थी वो सबसे बड़ी बाधा थी आर्टिकल 370 और 35A की, उसे कल हटा दिया गया। वहाँ के जो युवा है चाहे वो किसी भी वर्ग से हो उनको ही इसका फायदा होने वाला है। लेकिन मतलब विरोध करना है इसलिए कुछ भी विरोध करना है, वैसे ये बात कहना भी बहुत गलत है कि वो बस विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है, मकसद है, उनकी विचारधारा है, उनकी आइडियोलॉजी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना। उनको ये सहन नहीं हो रहा कि भाई इतना सब शांति से देश का विकास कैसे हो रहा है। इसके लिए वो युवा पीढ़ी के सामने गलत फैक्ट्स रख रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं और उनको भड़काने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसके पहले देश में क्या क्या हुआ है, इसका इतिहास क्या है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, ऐसी एक यंग जनरेशन को ये टारगेट करते हैं। झूठी बातें कहेंगे, झूठी ह्यूमैनिटी की बातें करेंगे, समानता की झूठी बातें करेंगे और युवा पीढ़ी को वो भड़काएंगे। ये बहुत बहुत खतरनाक है। और इसलिए जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, या तो उन्हें पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, या ऐसे झूठे फैक्ट्स के आधार पर उन्हें अपनी मान्यताएं, अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। ये लोग धारा 370 की, 35A की तुलना जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहाँ पर भी ऐसी 371 धारा है वगैरह वगैरह बातें कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बातें वही कर सकता है जिसे या तो कुछ पता नहीं है धारा 370 के बारे में या 35A के बारे में, या वो लोग ऐसी बातें कर सकते हैं जिनको सब कुछ पता होते हुए भी उन्हें बस एक फेक नरेटिव क्रिएट करना है या देश में अराजकता का माहौल फैलाना है, पैदा करना है। तो ऐसे लोगों से बस सावधान रही है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं देश को अस्थिर करने के लिए, देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए। तो बस मैं इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि ऐसे इन वामपंथियों से, कम्युनिस्टों से कृपा करके सावधान रही है।